आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दिए गए हिंदी वाक्य की संरचना कैसे होगी। दिए गए हिंदी वाक्य है वह नहीं जा रहा है, दूसरा सेंटेंस है मैं नहीं जा रहा हूँ, तीसरा सेंटेंस है तुम नहीं जा रहे हो। ये जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं सब में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं नहीं नहीं। नहीं शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके लिए हम प्रयोग करेंगे नॉट, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे नॉट का। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना होता है। तो देखते हैं पहले सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वह, वह की इंग्लिश होती है ही। अब हम इस तरफ दिए गए हुए टेबल को देखेंगे। इस टेबल में दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में कर रखा है। पहला कैटेगरी है हमारा सिंगुलर का, पहला कैटेगरी है हमारा सिंगुलर का और दूसरी कैटेगरी है हमारी प्लूरल की। ऊपर दिए गए सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और नीचे दिए गए सब्जेक्ट प्लूरल हैं। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी आई के साथ में। आई हालांकि सिंगुलर होता है बट उसको हम हेल्पिंग वर्ब जो देते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वो देते हैं एम, मतलब एम आई के साथ में प्रयोग होता है। और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही सी इट नेम उनके साथ हम प्रयोग करते हैं इज। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हम आई के साथ प्रयोग करते हैं एम का। और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं वी यू दे बॉयज उनके साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। अब निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं ही। अब ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, तो हम करेंगे ही इज। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप हरदम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ही इज नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, ही इज नॉट गोइंग। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, मैं की इंग्लिश होती है आई। जैसा कि इसके पहले हमने डिस्कस किया था आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है, तो हम यहां पर लिखते हैं आई एम और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, आई एम नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब के साथ में आई एन जी लगा करके यूज करते हैं, आई एम नॉट गोइंग। इसी प्रकार से यहां पर दिए गए तीसरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तीसरा सेंटेंस दिया गया है तुम नहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया गया है तुम की अंग्रेजी होगी यू। अब हमको देखना होगा यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर नॉट गोइंग। तो ये रहा आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सीधा इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो हम इस टेबल की सहायता से कैसे बना सकते हैं एक बार वो भी देखते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, बिना यहां पर हिंदी वाक्य लिखे हुए हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, वह नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हमने वह की अंग्रेजी लिखी ही के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, ही इज, इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, ही इज नॉट गोइंग।
हम नहीं खा रहे हैं, आपको इस टेबल में देखना पड़ेगा हम कहां पर है। वी के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब है आर। वी आर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट ईटिंग। एक सेंटेंस और लेते हैं, लड़के नहीं खेल रहे हैं, लड़के बॉयज के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। बॉयज आर नॉट प्ले। इस प्रकार से आप किसी भी हिंदी में दिए गए सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या आप खुद इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस बना करके बोल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।